ओ भोले बाबा संत संकट तेरे कैलाश जमा क्यों चेहरे मिटा। हेलो बॉयस, कैसे हैं सब? बढ़िया बॉयस। पिछले वीडियो में आपने हमारा हॉस्टल तो देखा होगा और आज हमारा हॉस्टल में लास्ट डे है और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जाते समय वहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे काफ़ी अच्छे से उन लोगों ने हमें गुड बाय बोला और वहाँ के एक मेंबर ने हमें अपना हुनर दिखाया और कुछ गाने सुनाए। वो और वो जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं वो मेमोरीज़ के लिए एक कुछ ना कुछ अपनी पेंटिंग्स, ड्राइंग्स या फिर कोई स्लोगन वहाँ पे लिख के चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ स्लोगन्स मुझे पढ़ने को मिले थे और हमने भी कुछ पेंटिंग्स वगैरह दीवार पे की मेमोरीज़ के लिए, तो वो सारे वीडियोस आप देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है, तेरी गंगा सी पाक प्रीत से सुबह मेरी पारस हो गई, डुबकी जी ओ ली रूह ने सुबह ये जिंदगी बनारस हो गई। वाह तनिष्का, इन लोगों ने ये लाइन लिखा हुआ है। ये हमारे सूरज यहाँ हमने कुछ पेंटिंग्स बनाई और यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल का नाम हेलो बॉयस। पेंट कौन कर रहा हो तो देखो रोहित कर रहा है पेंट। मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया सैया, तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में हो जाऊं, मैं तेरे नाम में हो जाऊं सैया सैया, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचेगा, पल पल मुझे जगाए जाते जाते, अब बावला हुआ मन तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते सैया सैया, तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में हो जाऊं, मैं तेरे नाम में हो जाऊं। पाँव में बहे घटाओं में रहे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल प्रिया, जो तेरे ना हुए किसी के ना रहे, दीवानी तू मेरी मैं तेरा बादल प्रिया, हजारों में किसी को तकदीर वैसे मिली है एक रांझा और हीर जैसे, न जाने जमा क्यों चेहरे मिटाना, कलंक नहीं एक सुलह का जल पिया, मैं तेरा 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 ओ ओ ओ, दुनिया की नजरों में ये रोग है
जा जिसको जो चाहे संजोग है, लई है मेरी लगानी की कहानी, ऐसे मोड़ते रहे तुझसे बेगाने, हम किसी से ना जोड़ते, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है रांझा और हीर जैसी, न जाने ये जमाना क्यों चेहरे मिटाना, कलम काजल न पाया अंत बंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बंत तेरी माया, शिव कैलाशों के बस गौरी धारों के राजा, संकट संकट हर ओ भोले बाबा बॉयज़। अभी हम ये हॉस्टल छोड़ गए हैं, लाइफ फ्री हॉस्टल। 3 दिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा माहौल था, साफ सुथरा, सारे लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल थे। सो रूम तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, बट फिर भी जाना पड़ेगा भैया। जा रहे भैया भाई, ठीक है भैया, एक बार हाय बोल दीजिए, मेरा ब्लॉग आएगा। सारे भैया बाय, बहुत अच्छा लगा यहाँ आप लोगों से मिलके। ओके बाय। सो बॉयज़, ये था हमारा हॉस्टल का लास्ट डेज, और ये हॉस्टल ने हमें हमारा कॉलेज डेज याद दिला दिया, जब कॉलेज में हम हॉस्टल में रहा करते थे, उससे भी ज़्यादा इन्वायरमेंट यहाँ का अच्छा था, काफ़ी अच्छा फील हुआ हमें। और ये जर्नी हमारी काफ़ी अच्छी हो गई, जब हमने हॉस्टल लिया, उससे पहले हम होटल में रुके हुए थे, बट वी डिसाइडेड टू गो टू द हॉस्टल, और ये हमारे मेमोरेबल डे हो गया। और से मैं कहीं भी जाऊँगा तो मैं हॉस्टल ही प्रेफर करूँगा, बिकॉज़ वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे से दोस्त मिलते हैं, नए नए पर्सन से मिलने का मौका मिलता है, और उनके व्यूज़ वगैरह, वो क्यों लंबे लंबे ट्रेवल करते हैं, कोई वहाँ पे बंदा 1 महीने से है, कोई ऋषिकेश में 1 महीने रह के आया है, तो ये सारे चीज़ सुनने देखने को मिलता है, और काफ़ी अच्छा फील होता है उनकी स्टोरी सुन के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, काफ़ी ज़रूरत है आपके सपोर्ट की।